हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड का ट्वेल्थ लेशन के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, यानी कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के भी नहीं रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड द यूथ फ्रॉम द वैनगार्ड फॉर्म द वैनगार्ड इन ऑल एक्टिविटीज़। कहने का मतलब है कि सारी एक्टिविटीज़ में जो यूथ है इंडिया के, वो वैनगार्ड कैसे फॉर्म करें या क्यों करना चाहिए उनको। आंसर है, द यूथ शुड फॉर्म द वैनगार्ड इन ऑल एक्टिविटीज़ बिकॉज, उनको करना चाहिए क्योंकि दे हैव द पावर एंड एनर्जी टू रेजिस्ट द वायलेंट अग्रेशन। जो हिंसक आक्रमण है उनको रोकने की पावर और एनर्जी दोनों ही यूथ में है। दे आर द न्यू स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, और वो देश का नई शक्ति नई ताकत है। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई शुड द यूथ बी प्रॉपरली कैनलाइज्ड। प्रॉपरली कैनलाइज्ड करने का मतलब ये कि उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी स्किल्स को एक प्रॉपर वे में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। द यूथ शुड बी प्रॉपर कैनलाइज्ड बिकॉज, उनको प्रॉपर कैनलाइज करना चाहिए क्योंकि दे हैव इमेंस पावर एंड एनर्जी। उनके अंदर अपार पावर और एनर्जी है, which can serve the nation in many ways and can make the country progressive। जो उनकी पावर है, जो उनकी एनर्जी है यूथ के अंदर जो है, वो देश की सेवा कई सारे तरीक़ों से कर सकती है और उसके बाद देश को प्रोग्रेसिव भी बना सकती है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर द यूथ टू बी फिट। यूथ जो है उनको फिजिकली फिट या हर चीज़ में जो फिट है वो क्यों होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ऐसा। आंसर है, यूथ आर कंसिडर्ड एज द न्यू पावर और ऑफ एवरी कंट्री। हर एक देश की जो नई ताकत है युवाओं को माना जाता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर देम टू बी फिट बिकॉज, और यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने आप में फिट रहे क्योंकि ओनली देन, केवल तभी दे कैन सर्व, वो सेवा कर सकते हैं द नेशन, नेशन की इन द ग्रेट मैनर, बहुत बड़े पैमाने पर वो या अच्छे तरीके से वो देश की सेवा तभी कर सकते हैं। विच कैन एंश्योर्स, और जो सेवा करेंगे उसकी वजह से ये आश्वासन मिल जाएगा या ये आश्वासित हो जाता है, द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशन, देश की प्रोग्रेस और देश का विकास दोनों ही तब एंश्योर होगा जब वो देश की सच्ची सेवा करेंगे, और वो तभी कर पाएंगे जब वो फिट है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन द ऑदर स्पीक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी व्हाट डज ही मीन बाय इट। जब ऑदर स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है, तो उसका क्या मतलब है, कहने का क्या तात्पर्य है। By spirituality, the other means the unity that derives power and sustains for the nation. तो जब other spirituality की बात करता है तो उनका कहने का तात्पर्य है कि spirituality जो है वो unity लेके आती है, और unity के साथ साथ उस unity से power आती है और sustains यानी कि देश को चलने का या देश को आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है या power मिलती है। He says that, वो कहते हैं कि spirituality brings fearlessness among the people। लोगों के बीच में fearlessness means निडरता जो है वो spirituality से ही आती है। Next question है, how can the youth really be of effective service to the nation? देश की जो प्रभावपूर्ण तरीके से सेवा है वो youth कैसे कर सकते हैं। तो answer है, according to the author, youth can be of effective service to the nation by equipping themselves with physical, intellectual, patriotic and spiritual dimensions। चार तरीकों से या चार अलग अलग दिशाओं में वर्क करके जो हमारे यूथ है वो देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं, यानी कि देश को इफ़ेक्टिव सेवा की ज़रूरत है, और वो इफ़ेक्टिव सेवा तभी कर सकते हैं जब वो अपने आप को तैयार करेंगे, सुसज्जित करेंगे फिजिकल स्ट्रेंथ से, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ से, पैट्रियोटिक फीलिंग्स है और स्पिरिचुअल पावर्स हैं। व्हाई डज द ऑदर वांट आवर यूथ टू बी फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्ट्रिंग लिखा है लेकिन वो स्ट्रांग है, आप ठीक कर लीजिएगा। तो ऑदर जो है वो एक सा क्यों चाहते हैं कि हमारे यूथ जो है फिजिकली और फिजिकली और इंटेलेक्चुअली दोनों ही तरीके से वो स्ट्रांग हो। द ऑदर वॉन्ट्स टू आवर यूथ दैट दे मस्ट बी फिजिकली स्ट्रांग with muscles of iron and nerves of steel। कहने का मतलब है कि वो फिजिकली रूप से यानी कि भौतिक रूप से इतने मजबूत हो कि उनकी मसल्स जो है वो आयरन की हो जाए और उनके जो नर्व्स है वो
जो है वो स्टील की हो जाए, इस तरह से वो स्ट्रांग हो। और ये वो इसलिए चाहता है सो दैट दे कैन सर्व द नेशन एंड कैन फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ग्रेट नेशन। इस महान देश या बड़े जो देश है, विशाल देश, इसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनको वो पूरा कर सके और देश की वो सच्चे मायने में सेवा कर सके, इसलिए उनको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। फॉर बिल्डिंग ए ग्रेट डेमोक्रेसी दे मस्ट बी इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग अलॉन्ग विद फिजिकल स्ट्रेंथ। और ये भौतिक जो ताकत है, फिजिकल जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, इसके अलावा उनको इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर इस डेमोक्रेटिक कंट्री का निर्माण वो करना चाहते हैं, तभी वो डेमोक्रेटिक नेशन का निर्माण कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू सर्व द नेशन, और देश की सेवा करने के लिए एंड मेक इट प्रोग्रेसिव, और उसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू फेस द कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। और जो गलाकाट प्रतियोगिता विश्व में चल रही है, इस प्रतियोगिता का सामना करने के लिए वो तभी तैयार हो सकते हैं। द अदर वॉन्ट्स अवर यूथ टू बी कॉम्पिटेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, और उनको अपने आप को इस तरह से तैयार करना होगा कि वो साइंस और तकनीक के इस युग में अपने आप को आगे ला सके। देन ओनली दे कैन बिल्ड ए सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस डेमोक्रेसी, और तभी वो सफल और समृद्धशाली राष्ट्र का या डेमोक्रेटिक कंट्री का विकास का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द यूथ डू टू बिकम इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट, और इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट बनने के लिए हमारे यूथ को क्या करना चाहिए? तो आंसर है, इन दिस कॉम्पिटिटिव एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द अदर वॉन्ट्स टू द यूथ दैट दे मस्ट बी मोर अलर्ट एंड कॉम्पिटेंट देन देयर प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑदर ये कहना चाहता है कि इस कॉम्पिटिटिव एज में, यानी कि इस बहुत उठा पटक करने वाली ज़िंदगी, या कहने का मतलब है कि इस विज्ञान और तकनीक के इस युग में, जबकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा यानी कि बाकी नेशंस जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो जो हमारे यूथ है, ऑदर उनसे चाहता है कि उनको भी और ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा तेज होना पड़ेगा अपने जो प्रेडिसर्स है, मीन्स जो पूर्वज हैं उनसे, वो जितने कॉम्पिटेंट थे उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट इनको होना पड़ेगा, तभी वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी कि बाकी दुनिया से कॉम्पिटिशन कर सकते हैं और उनसे आगे निकल सकते हैं। फॉर दिस, और इसके लिए, एवरी यंग मैन एंड वुमेन, तो हर एक युवा महिला और पुरुष, स्टडिंग इन कॉलेजेस स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज मस्ट एम एट एकेडमिक एबिलिटी टू एक्सटेंड इट एट द हाईएस्ट लेवल। तो जो हमारे यंग मैन और वुमेन जो पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, उनको अपने हाईएस्ट लेवल तक ट्राई करना होगा एकेडमिकली, यानी कि उनको एकेडमिकली बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। दे मस्ट नॉट वेस्ट देयर स्टडी टाइम इन फुटाइल और यूजलेस एक्टिविटी। और इनको अपने स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने टाइम को, जो स्टडी का टाइम है, उसको व्यर्थ की चीज़ों में या यूजलेस एक्टिविटीज़ में व्यर्थ गंवाने की ज़रूरत नहीं है, उनको इससे बचना चाहिए। दे शुड वर्क हार्ड, और उनको कड़ी मेहनत करना चाहिए, इन द मैनर, इस तरीके से कड़ी मेहनत करना चाहिए दैट कि दे कैन बिकम एबल एंड इफ़िशेंट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड, कि अपने अपने क्षेत्रों में सभी जो है वो इफ़िशेंट और इफ़ेक्टिव और योग्य बने। दे शुड बी रियली रेडी फॉर द सर्विस ऑफ नेशन इफेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली। उनको प्रभावपूर्ण तरीके से और मितव्ययता को रखते हुए, बरकरार रखते हुए, अपनी देश की जो है वो सेवा करने के लिए उनको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑदर मीन बाय पेट्रियटिज्म। पेट्रियटिज्म का मतलब क्या है ऑदर का? अकॉर्डिंग टू ऑदर, पेट्रियटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर द नेशन, बट टू क्रिएट अ डीप अर्ज फॉर नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेस इन ऑल वॉक ऑफ नेशनल लाइव्स। कहने का मतलब है कि पेट्रियटिज्म का मतलब, ऑदर का मतलब यह है कि केवल आपके अंदर देश के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना ही नहीं है, बल्कि आपको एक डीप अर्ज जो है वो क्रिएट करना होगा देश की यूनिटी यानी देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, ताकि देश में के जो लाइफ से अलग अलग जो एरिया है लाइफ के, यानी कि बिजनेस हो, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, उस हर फील्ड में जीवन प्रोग्रेसिव हो। पेट्रियटिज्म कैन बी यूज एज ए वेपन अगेंस्ट करप्शन एंड नेपोटिज्म। और पेट्रियटिज्म की भावना जो होगी, वो पेट्रियटिज्म जो है वो जाग गया, तो करप्शन और नेपोटिज्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओनली द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म कैन गैल्वनाइज अवर होल नेशन फॉर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। केवल पेट्रियटिज्म की फीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश को एक साथ खड़ा करके इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक विकास करवा सकती है। द यूथ ऑफ द कंट्री शुड रियलाइज
और हमारे देश के जो युवा हैं उनको क्या रियलाइज करवाती है वो, एंड प्रोवाइड, और वो क्या प्रोवाइड करेंगे, ए न्यू मॉरल इम्पेटस टू इंडिया, और इंडिया को एक न्यू मॉरल, न्यू जो आदर्श स्थिति है उस पर लाने का वो प्रयास तभी कर सकते हैं जब उनके अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट नेसेसरी फॉर अवर यूथ टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रांग। हमारे यूथ के लिए ये ज़रूरी क्यों है कि वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, यानी कि आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो। आंसर है, द ऑदर फील्स दैट, ऑदर ये महसूस करता है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द यूथ ऑफ आवर नेशन टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रांग, कि हमारे देश के जो युवा हैं वो आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो। बिकॉज, क्योंकि इट लीड्स टू फियरलेसनेस एंड डायनेमिज्म इवन एट द क्रूशियल टाइम्स एंड गिव्स स्ट्रेंथ टू ओवरकम फ्रॉम ऑल डिफिकल्टीज। तो स्पिरिचुअलिटी ही वो पावर है जो कि फियरलेसनेस लाती है, निडरता लाती है, डायनेमिज्म यानी कि प्रगतिशीलता लाती है, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें उस कंडीशन में भी जब बहुत ही नाजुक समय, बहुत ही क्रूशियल स्टेज चल रहा हो, उस समय भी ये ताकत देती है ताकि हम उन डिफ़िकल्टियों से ओवरकम हो सके, बाहर निकल सके। अकॉर्डिंग टू द ऑदर, ऑदर के अनुसार स्पिरिचुअलिटी इज अ सोर्स ऑफ डिविनिटी एंड यूनिटी विच ड्राइव्स। तो स्पिरिचुअलिटी जो है एक सोर्स है, एक साधन है जहाँ से डिविनिटी, दिव्यता आती है व्यक्ति के अंदर, और यूनिटी वो बना के रख सकता है, जिससे क्या होगा, विच ड्राइव्स डिटर्मिनेशन, जो कि डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय लेके आता है, पावर लेके आता है, एंड सस्टेंसेस लेके आता है, यानी कि देश को आगे बढ़ाता है। इट गिव्स पावर टू बी कॉरेजियस, और ये ऐसी शक्ति देता है जिससे व्यक्ति साहसी होता है, एंड कॉम्पिटेंट टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिफिकल्टीज, और खुद अपने आप में कॉम्पिटेंट बनता है, यानी कि परेशानियों को सामना करने वाला बन जाता है, और वो कई सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर सकता है, उनसे लड़ सकता है। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, सो यू मस्ट लर्न दैम सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। आई हैव नोटेड डाउन दीज आंसर्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज सो दैट यू कैन लर्न दैम ईजीली एंड कैन मेमोराइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो hope you understand all this thing. If you have any query, if you have any question, you can leave your question or comment in the comment box below. Thank you very much and thanks for watching this video.